80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेंट हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। इससे पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंकें बेच दी, एयर इंडिया, रेलवे, सब निजीकरण कर दिया। खेती को भी छीना जा रहा है किसानों से। बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल, जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, प्रकाश सिंह बादल उसके श्रोमणी अकाली दल बादल बोलते हैं, सुखबीर बादल उनके MP हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंट्रल मिनिस्टर, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैर हाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का। ऑर्डिनेंस आया था तब भी हरसिमरत कौर वहां मौजूद थी, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तो इतनी जरूरत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो BJP द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें, जब पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें, इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए। अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे, वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल आना चाहिए। आज की इस प्रेस वार्ता में आए सभी साथियों का स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता कल भारतीय संसद में जो एग्री ऑर्डिनेंस टेबल किया गया है उससे संबंधित है। जय जवान जय किसान के नारे लगने वाले देश में किसानों की बदहाली का जो दौर शुरू हुआ है उसमें एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार द्वारा किसानों के हक, किसानों की जिंदगी और मुश्किल करने के लिए जो ऑर्डिनेंस का टेबल हुआ है वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुखद है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के ऊपर ये अत्याचार कर रही है, MSP ऑर्डिनेंस बिल उसका एक जीता जागता प्रमाण है। अगर बात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की करें तो शिरोमणि अकाली दल, जिनकी काफी समय तक सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में रही, किसानों ने कई बार शिरोमणि अकाली दल को वोट देकर पंजाब में उनकी सरकार बनाई, पर जब किसानों की बारी आई तो शिरोमणि अकाली दल वाले 4 वोट तक नहीं डाल सके। हमारे साथ इस समय भगवंत मान जी हैं जो आम आदमी पार्टी पंजाब से प्रधान है, और इस बिल के विरोध में कल डिबेट होनी है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के हमारे सभी सांसद पूरी तरह से इस बिल का विरोध करते हैं, कल डिबेट में भी विरोध करेंगे, और आम आदमी पार्टी किसानों के हक के लिए, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पूरी तरह से इस बिल का विरोध करती आई है और करती रहेगी। आगे की बात माननीय भगवंत मान जी आपके आगे रखेंगे। धन्यवाद दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और बहुत आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। कल संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और कल बिल पेश हुआ जो खेती ऑर्डिनेंस इसको बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों, वैसे बिल में तो ये कहा गया किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल है, लेकिन असल में एग्रीकल्चर जो हमारे देश का धुरा है, जो 80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेंट हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। MSP जो धान की या गेहूं की वो खत्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे दी गई है इस बिल में कि आप आइए और एग्रीकल्चर जो खेती है सेक्टर है उसको आप डोमिनेट कर लीजिए। इससे पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंकें बेच दी, एयर इंडिया, रेलवे, सब निजीकरण कर दिया। खेती को भी छीना जा रहा है किसानों से। तो कल ये बिल टेबल हुआ, हमने विरोध किया, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में,
जगह जगह पर किसान जथेबंदियां हर गांव में धरने प्रदर्शन कर रही हैं इस बिल के विरोध में, क्योंकि इस बिल में, इस बिल के पास होने से ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको खेती में, खेती सेक्टर में आने का मौका मिलेगा। 10-10 हजार, 15-15 हजार एकड़ के, 20-20 हजार एकड़ के क्लस्टर बनेंगे और कहीं से भी वो खरीद के फसल और देश में कहीं भी ले जाके उसका स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज वाला बिल आ जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम, कि जरूरी जो जरूरी वस्तुएं हैं उनका भी ये बिल जो है वो आज पास कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, कितना भी स्टोर कर सकते हो, जब मर्जी उसको बेच सकते हो। तो ये उसी से जुड़ा हुआ बिल है आज वाला भी, आज भी विरोध करेंगे। तो सबसे दुख की बात कल उस समय हुई जब मैं संसद में था, बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल, जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, प्रकाश सिंह बादल उसके प्रधान, उसके श्रोमणी अकाली दल बादल बोलते हैं, सुखबीर बादल उनके एमपी हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंट्रल मिनिस्टर, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैरहाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का कि आते कल वो विरोध करते इस बिल का कि इस बिल को नहीं आना चाहिए, नहीं टेबल होना चाहिए, नहीं आए वो। इससे पहले जब कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब भी हरसिमरत कौर वहां मौजूद थी, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पक्का पता है कि कल जब वोटिंग होगी तो इतनी जरूरत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें, जब पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें, इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए हैं बीजेपी के हाथ। जो भी बीजेपी कहती है वो करना पड़ता उनको, वो एक कैबिनेट की मंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पंजाब को गिरवी रख दिया है बीजेपी के पास। अगर हिम्मत है तो कल विरोध करें और कल इस बिल के विरोध में वोटिंग करें। किसानों ने लाखों वोट इनके पक्ष में दिए, लेकिन जब किसानों के पक्ष में वोट करने की बारी आई है तो चार वोट हैं इनके, दो उधर हैं राज्यसभा में, दो लोकसभा, तो चार वोट नहीं दे सकते। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं होगी इनके लिए। और कल एक और खुलासा हुआ, हम आपको भेज देंगे, सुना भी देते हैं, जब मंत्री जी ने यह बोला कि जब ये बिल इस ऑर्डिनेंस के बारे में इसको लाने की तजवीज चल रही थी तब पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी में शामिल थे जिसने ये कहा, तजवीज किया कि हाँ ये बिल आना चाहिए। तो इसका मतलब कांग्रेस वाले भी और मंत्री बादल ने एक मीटिंग अटेंड की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और दूसरी मीटिंग में कैप्टन साहब खुद थे। अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हाँ जी ये बिल आना चाहिए। मैं सुनाना चाहता हूँ सिर्फ 20 सेकंड की। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो इसमें जग जाए है ही है, पर बहुत ज्यादा झटका इसलिए लगा कि कांग्रेस इस चीज का ड्रामा कर रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। पर कल केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने अपनी स्पीच में बताया कि किस तरीके हाई पावर कमेटी जिसमें 6 स्टेटों के मुखिया शामिल हुए और इस बिल को मंजूरी दी, उसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर वो देख सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इस मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही है, कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल तो है ही उनके साथ, और कांग्रेस जब बिल की तजवीज की हाई पावर कमेटी बनी थी तब उन्होंने विरोध नहीं वहां किया और अब विरोध कर रहे हैं बाहर से। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे
और अकाली दल भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किसानों के साथ है जब बीजेपी के साथ है। और ये कल जब बिल पेश होगा आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट जो हमारा वो हरसिमरत कौर के घर के सामने बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर फॉर सेल का फट्टा भी लगा हुआ, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, इससे खेती से जुड़े हुए आड़ती है जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट बोलते हैं आड़ती है, वो खत्म हो जाएंगे। जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए उनकी क्या उनके सामने औकात रहेगी। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मंडी में और जो पल्लेदार और लेबर मजदूर ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कंबाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो, अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो, वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएंगे। ये ठेका सिस्टम दोबारा जो पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे, खेती कोई और करता था और उसकी फसल जो है वो कोई और ले जाता था, मुजारा सिस्टम बोलते हैं, वो वाला ला रहे हैं। और पंजाब में अंडानी का एक गोडाउन बन गया है, मोगा डिस्ट्रिक्ट में दो का उद्घाटन हो गया है, संगरूर में 18 बनने हैं टोटल, और पूरे पंजाब की खेती को लूट रहे हैं ये। और लूट उस समय रहे हैं जब पंजाब के किसानों का मसीहा कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उस पार्टी की भाईवाल है सरकार में, जिस जो ये बिल लेके आ रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे, कल मौका मिलेगा बोलने का वोटिंग का, इस बिल का विरोध करेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए, खास तौर पे जो पंजाब के सांसद हैं जिन्होंने पंजाब का मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाया है, पंजाब का पानी पिया है, उनकी वफा की घड़ी जो है कल आएगी कि वो वफादार हैं पंजाब की मिट्टी के लिए या नहीं। तो कल मैं थोड़ा जा पंजाबी विच भी दस देना, कल ये बिल आऊगा, श्रोमणी अकाली दल बादल दिया दो लोकसभा दिया जगह सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल ते राज्यसभा दिया जगह दोनों सीटा ने, मैं उन्होंने बेनती करता, वैसे तो मैं उम्मीद कोई नहीं हैगी, उन्होंने जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बेचता, जो कोई बंदा किसी चीज का सौदा कर ले तो उस चीज के विरुद्ध बोलन का कोई हिम्मत नहीं रह जाती। सो जे कल विरोध वोटा पाने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे, पंजाब उन्होंने पहले ही विरोध हो रहा है, होर भी विरोध होगा, लखां बार किसानों ने उन्होंने वोटा पाइया, पर जो किसानों के हक च वोट पाने की बारी आई तो इस तो बड़े शर्म की गल नहीं हो सकती कि अकाली दल मूंह मोड़ गया, कल गैर हाजिर रहे, गैर हाजिरी भी अद्धी हमायती है। तो कांग्रेस का भी नाम लिया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा कि असी मुख्यमंत्रियों की हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कांग्रेस मौजूद सी, पंजाब के मुख्यमंत्री ते मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की थी, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उदों भी कोई विरोध नहीं जताया गया। सो कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है, लोगों को पहले ही पता सी कि दोनों मिले हुए ने आपस, कांग्रेस ते अकाली दल 2017 च भी आम आदमी पार्टी हराने लई दोनों इकट्ठे हो गए सी, ते हुण भी इकट्ठे ने आपस दे विच, एक दूजे दे भाईवाल ने, एक दूजे नूं बचाउंदे ने, पर उपरों उपरों विरोध करदे ने, पर हुण इन्हां दा जिहड़ा चेहरे नंगे हो जाणगे, चेहरे इनके असली चेहरे जो जो है वो जनता के सामने आएंगे। और पंजाब में ऑलरेडी विरोध चल रहा है, कल भी असी हरसिमरत कौर बादल के घर के सामने बठिंडे ट्रैक्टर मार्च करांगे, साडे वलंटियर ट्रैक्टर लेके जाणगे ते इन्हां दा विरोध करांगे कि तुसीं क्यों नहीं जिहड़ा इस बिल नूं आउण तों रोकिया, पेश होण तों रोकिया, जां इस ऑर्डीनेंस नूं, ऑर्डीनेंस कब आते हैं जब देश में एमरजेंसी लगी, कोरोना महामारी में खेती के ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या ऐसी मतलब जो एमरजेंसी आन पड़ी थी। जीडीपी 23.9% माइनस है, हर सेक्टर में माइनस है, सिर्फ खेती सेक्टर है जो पॉजिटिव है 3.2, सिर्फ किसानों ने, अन्नदाता जिनको बोलते हैं, उन्होंने इस आपदा में देश के लोगों को भुखमरी से बचाया और उसी को बेच रहे हैं दोबारा। और संविधान में एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर ये राज्य के विषय हैं, लेकिन ये तीनों हमसे छीने जा रहे हैं। और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। राज्यों को जीडीपी के जरिए पहले ही भिखारी बना दिया, जो जीएसटी के जरिए
जीएसटी के जरिए पहली भिखारी बना दिया, जीएसटी का पैसा देने से भी सेंटर जो है वो मुकर गया है। तो इसलिए राज्यों को जो अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं। ये भी जो बिल है ये उसी का एक हिस्सा है, इसलिए कल हम विरोध करेंगे। आज भी जो जरूरी वस्तुओं का बिल आ रहा है उसका भी हम अभी 3 बजे से 7 बजे तक संसद चलेगी, हम विरोध करेंगे। जी फसल ने खास तौर पर कणक के झोना ओदी MSP खत्म हो जूगी। MSP तो ये कहते ने MSP रहूगी, MSP तो बाकी होर फसलों की भी है, बाजरे की भी MSP है, मक्की की भी है, पर कदे भी MSP तो बिकते ही नहीं जो कोई खरीददार ही नहीं है। बिल्कुल इसे तरह प्राइवेट प्लेयर आएंगे, जो छोटे छोटे आड़ती ने पहला उन्होंने खत्म करके उस तो बाद मोनोपोली हो जू। जिमें जियो, मैं जियो की एग्जाम्पल दे सकता, जियो ने पहला डाटा दिता फ्री, 1 GB डाटा फ्री फ्री, जो कस्टमर बन गए कहते आ जी हूं इन्ने पैसे, बिल्कुल सेम होगा। जो सारे प्लेयर खत्म हो गए आले दुआले, कोई आड़ती ना रहा, कोई खरीदार हो छोटा मोटा ना रहा एडे वे अंपायर के मुकाबले च, तो फिर उन्होंने मन मर्जी चलूगी, वह अपनी मर्जी के रेट लाओगे। तो किसान जोड़ा वह अपनी जमीन मालिक होंगे हुए भी वह मालिक नहीं रहेगा, ठेका सिस्टम जो मुजाहरा सिस्टम है वह आऊगा। ऑलरेडी पंजाब के विरोध हो रहा है, बहुत जबरदस्त हरियाणा भी विरोध होया, तुम देखा होना पिछले दिनों पिपली के लाठीचार्ज भी किसान से होया। तो अज अन्नदाता जोड़ा वो हक के खड़न का टाइम है। आम आदमी पार्टी लोग सभा दे विच मैं लोग सभा का मैंबर हाँ, तो साढ़े 3 मैंबर जो राज सभा के ने, असी कल इस बिल का विरोध भी करांगे। लोग सभा तो कल आऊगा, राज सभा च अजे थोड़ा शायद अगले दिन आऊगा, तो विरोध भी करांगे, तो वोटिंग भी इस बिल के विरोध करांगे। असी पंजाब के किसानों के हक च खड़े हाँ, पंजाब की मिट्टी चुगया होया अनाज खाने, पंजाब का पानी पीने, तो पंजाब की पंजाब के किसान नाल अन्नदाता नाल हरी क्रांति लियाउण वाले नाल असी जिहड़ा वो हक च उहदे खड़ांगे। तो एक होर बिल आ रहा है जम्मू कश्मीर के यूटी के 5 ऑफिशियल लैंगुएज का बिल है, उहदे विचों पंजाबी गायब कर, पंजाबी है नहीं जम्मू कश्मीर जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा भारी गिणती च पंजाबियां जिहड़े उत्थे रहिंदे ने पंजाबी ने। महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर सर किया सी, तां महाराजा गुलाब सिंह जो उन्होंने ताजपोशी की सी, तो डोगरी जिहड़ी है ओह बिल्कुल पंजाबी वर्गी बोली है। साडे जलंधर दूरदर्शन तो डुग्गर तरप्पण प्रोग्राम डोगरी दे भी चलते हैं, तो उहदे चों पंजाबी कढ़ती। सो किते ना किते जाण बुझ के वह पंजाबी वह पंजाब जिन्हें आजादी के 90% कुरबानियां दित्तियां, हरी क्रांति राही देश नूं आत्म निर्भर अनाज दे विच बनाया, उहदी साडी भाषा भी खत्म की जा रही है और साडे किसानां दी खेती भी जिहड़ी है साडे तों खोई जा रही है। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।